राम राम, जय श्री राम। आइए बाबा सादगी के संग आप सभी मित्रों का बाबा सादगी के चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। मैंने जो योजना बनाई थी लॉकडाउन की वजह से मेरी योजना पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए आज ईश्वर ने मेरे मस्तिष्क में एक शब्द दिया और मैं उसी पर वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है इस वीडियो के 3 पार्ट हो सकते हैं, तो कृपया ये मत सोचिएगा कि जो कुछ है वो लास्ट पार्ट में है। ये कहानी होगी ऑक्सीजन के ऊपर में, जो 6 पेड़ों पर है। मैं कोशिश करूँगा कि 2 पार्ट में इसे पूरा कर दूँ। चलिए आज बात करेंगे ऑक्सीजन की। हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, तो आज वो 6 पेड़ जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पीपल के पेड़ की, जिसे बोधि ट्री के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान बुद्धा ने इस पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या की थी और ज्ञान प्राप्त किया था। मेरे आपके सामने जो ये तना है ये पीपल के पेड़ का है, अभी ये बच्चा है। तो ये है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ 60 से 80 फीट तक लंबा हो सकता है। यह पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है। इसके बाद हम बात करेंगे बरगद के पेड़ की। वो आप देख रहे हैं वो है बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ यह राष्ट्रीय वृक्ष भी है। हिंदू धर्म में इसे बहुत पवित्र पेड़ माना जाता है। यह पेड़ कितनी ऑक्सीजन देता है यह निर्भर करता है पेड़ की लंबाई गोलाई, यानी कि इस पेड़ की छाया जितनी अधिक बनेगी यह पेड़ उतनी ही ऑक्सीजन छोड़ेगा। इसके बाद हम बात करेंगे नीम के पेड़ की। आप सभी जानते हैं कि नीम का पेड़ बहुत ही गुणकारी है, आयुर्वेद में इसका विशेष स्थान है। वो सामने आप देख रहे हैं वो है नीम का पेड़। अभी मैं उसी के पास जा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर व्यू मिल सके। जी हाँ, ये है नीम का पेड़। ये भी नीम का पेड़ है। इसके बहुत फायदे हैं, इसे एवरग्रीन पेड़ भी कहा जाता है। यह एक नेचुरल एयर प्यूरिफायर है। यह पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन को हवा से ग्रहण कर ऑक्सीजन देता है। तो ये नीम के पेड़ हैं। अब बात करेंगे अशोक के पेड़ की। छोटे हैं, ये है अशोक के पेड़। आप पेड़ों के नाम भी जान सकते हैं, जिन मित्रों को नहीं मालूम है कौन सा पेड़ कौन सा है। तो यह है अशोक का पेड़। यह जो पेड़ है ये सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देता, बल्कि इसके फूल पर्यावरण को सुगंधित रखते हैं। यह घर की शोभा को बढ़ाता है। घर में अशोक का पेड़ हर बीमारी को घर से दूर रखता है। यह पेड़ जहरीली गैसों के अलावा हवा से दूसरे दूषित कणों को सोख लेता है। इस वीडियो में मैं सिर्फ अशोक के पेड़ तक जा रहा हूं और बाकी पेड़ों के बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम।